हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट स्टडी। पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण मानंकु स्वागत करुछि। तबे आज आम डिस्कशन करिबा ओडिसा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पई मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जैकि जनरल नॉलेज रो 40टा क्वेश्चन आसुछि। तो जनरल नॉलेज रे जो पार्ट रे आपणकर सिलेबस रे जदि आपण देखिबे बुक्स एंड ऑथर रो क्वेश्चन आसुछि, इंपोर्टेंट डेज एंड डेट्स रो क्वेश्चन आसुछि, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज रो क्वेश्चन आसुछि। तो तीनटा को मु टोटल लेके आसी जैकि सिलेक्टिव क्वेश्चन गुडी को रहिछि। आपणकर आज आम डिस्कशन करिबा इंपोर्टेंट बुक्स एंड अथर, या सहित इम्पोर्टाट डेज एंड डेट्स, या सहित इम्पोर्टाट इनभेनसन डिस्कवरीज विषय डिस्कसन करवा। तेणु भिडियोटे आप मोस्ट इम्पोर्टाट प्रथम भिडियो को लास्ट पर्यटन निहाती देखु। जे मैंने चैनल को एपर्त सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित तो लाइक बटन को निहाती प्रेस करदे। तो चलतु डिस्कसन को आरंभ करवा। तो देखो प्रथम आप रही इम्पोर्टाट बुक्स एंड अथर। तो देखो इम्पोर्टाट बुक्स एंड अथर में आपंकर क्वेश्चन गुड़िक डिस्कसन करवा। तो देखो बुक्स रही है आपंकर द फ्यूचर अफ इंडिया। तो देखो द फ्यूचर अफ इंडिया बुक्र लेखक होती डॉक्टर बिमल जालान। तो ये आप मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही वार एंड पीस। तो देखो ये आप ओएसएससी रे मोस्टली आसारी क्वेश्चन टी वार एंड पीस ऑलरेडी पचार। तो वार एंड पीस मन रखु, वार एंड पीस रो बुक रो लेखक होती लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही इमेजिंग इंडिया। तो देखो इमेजिंग इंडिया बुक रो लेखक होती नंदन निलकेनी। तो आपको यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट भल भाव मन रखु। तो आप गोटे टैक्स मुझे देदेगी। तो आपको बुक्स एंड अथर आप जानते हैं मेकअप। तो आप जानते मे कैफ। तो मे कैफ बुक लेखक कि आप कमेंट में मेनसन करेंगे अलरेडी आपको ओएसएससी आस। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही इग्नाइटेड माइंड्स। तो देखो इग्नाइटेड माइंड्स बुक लेखक होती लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही माइ लाइफ। तो देखो माइ लाइफ बुक लेखक होती बिल क्लिंटन। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट बुक टी आम रही 49 डेज। तो देखो 49 डेज बुक लेखक होती अमृता प्रीतम। तो देखो अमृता प्रीतम बुक रिसेंटली आप मोस्टली क्वेश्चन पचारूँ। तो अमृता प्रीतम जितक बुक्स लिखिंट रिसेंटली आप देखो 2021 हो कि 2022 हो जब किसी लिखिंट से गुड़ी मोस्टली देखिक जी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही व्हेन लॉस इज गेन। तो देखो व्हेन लॉस इज गेन बुक लेखक होती पवन के वर्मा जे कि फॉर्मर डिप्लोमेट आपड़ा भल भाव जानते हैं। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही द स्लीपिंग जायंट। तो देखो द स्लीपिंग जायंट बुक लेखक होती स्वामी विवेकानंद। तो ये आप मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही ब्रोकेन विंग्स। तो देखो ब्रोकेन विंग्स लेखक होती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही हैमलेट। तो देखो हैमलेट बुक लेखक होती शेक्सपियर। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट शेक्सपियर जहाँ भी लिखिंटे बुक गुड़ी भल भाव में फॉलोअप करदे कारण आप क्वेश्चन परीक्षा आसी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। देखो ये आप ओएसएस रो फेवरेट क्वेश्चन माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ रो बुक रो लेखक होती महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही देवदास। तो देखो देवदास बुक रो लेखक होती शरत चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही हाफ ए लाइफ। देखो हाफ ए लाइफ बुक लेखक होती भि एस नाइपल। तो देखो आप भि एस नाइपल क्वेश्चन परीक्षा ओएसएससी मोस्टली पचारे। तो भि एस नाइपल जहाँ भी लिखिं रिसेंटली आप फॉलोअप करदे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही माय लाइफ एंड टाइम्स। तो देखो माय लाइफ एंड टाइम्स बुक लेखक होती भिवि गिरी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही इंडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन्स वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। ऑलरेडी ये आप देखिथे ओएसएससी परीक्षा रिसेंटली आसी सारी। तो आपको ये परीक्षा रिपीट होवार चांसेस अच्छी। तो अरुंधति भट्टाचार्य जे कि जानते एसबीआई थे तो आप जानते भल भाव। तो से लिखिंट इंडोमिएबल ए वर्किंग वोमेन्स वर्क लाइफ एंड लीडरशिप बुक लेखक होती अरुंधति भट्टाचार्य। तो आपको यहाँ मोस्टली परीक्षा आसपे कारण रिपीट होवार चांसेस रोचे। तो आप मोस्टली मन रखु। आपंकर भाव में आप जानते हैं मैंने जो स्मृति ईरानी लिखी है आम बुकटा स्मृति ईरानी आम लिखी है लाल सलाम से आप मोस्टली रिपीटेटिव आसाला। तो से गुड़ी आप रिपीटेट हम जहाँ भी रिसेंटली परीक्षा जो क्वेश्चन गुड़ी आसी से गुड़ी रिपीटेट जे आप जानते मेरिट रैंक संस्था परीक्षा कंडक्ट करुच्छे। तो क्वेश्चन गुड़ा मोस्टली रिपीटेट आसे। तो रिसेंटे जहाँ भी रही जो गुड़ी मुझे कहीदे से गुड़ नोट डाउन करनी जहाँ फिर आपको परीक्षा हेल्पफुल हम। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही लिविंग विथ अनर। तो देखो लिविंग विथ अनर बुक लेखक होती शिव खेरा। तो ये आप मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड।
वर्ल्ड तो देखो ये बेटर इंडिया ये बेटर वर्ल्ड बुक रो लेखक होती एनआर नारायण मूर्ति। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही बुक टी इंडिपेंडेंस तो देखो इंडिपेंडेंस बुक रो लेखक होती एसके बनर्जी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स तो देखो द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स रो बुक रो लेखक होती सर आर्थर कोनान डोयल। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही मालविका अग्निमित्र तो मालविका मित्र जो रही बुक टी आपर कालिदास लिखिंट तो आपड़ा यहाँ देखे आपड़ इजिली जापरेंगे अग्निमित्र मान मालविका अग्निमित्र बुक रो लेखक होती कालिदास तो आपड़ा मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही मोस्ट इंपोर्टेंट आप मोस्टली परीक्षा आस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक रो लेखक होती अरुंधती रॉय। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही एंड ऑफ द एरा तो देखो एंड ऑफ द एरा आप मोस्ट इंपोर्टेंट तो एंड ऑफ द एरा बुक रो लेखक होती सी एस पंडित। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम बुक टी रही इंडोमिएटेबल स्पिरिट तो अदम्य साहस तो देखो अदम्य साहस बुक रो लेखक होती आमर लेट फर्मर प्रेसीडेट जे कि एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही फास्टिंग एंड फिस्टिंग तो देखो फास्टिंग एंड फिस्टिंग बुक अथर होती अनिता दिशाई। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही लास्ट डेज ऑफ नेताजी तो आपड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट तो लास्ट डेज ऑफ नेताजी बुक रो लेखक होती जी डी खोसला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम बुक टी रही इंडिया फास्ट तो देखो इंडिया फास्ट बुक रो लेखक होती के आर मालकानी तो के आर मालकानी आप मोस्टली मन रखु इंडिया फास्ट बुक रो लेखक होती के आर मालकानी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही अनहैपी इंडिया तो आपड़ा ओएसएस ऑलरेडी आसी अनहैपी इंडिया बुक रो लेखक होती लाला लजपत राय। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही अष्टाध्यायी तो देखो अष्टाध्यायी आम बुक लेखक होती पाणिनी तो यहाँ आपर मोस्टली परीक्षा आसवर संभावना रोचे तो नोट डाउन भल भाव कर नियंतु तो देखो जहाँ भी मुझे डिस्कसन करुच्ची तार पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलजिव जहाँकि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करदे पीडीएफ आप पीडीएफ्रु पढ़ीपारे ना आप भिड देखिए नोट डाउन करेंगे जहाँफल आपर मन रहा तो डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलजिव जहाँ आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही रवींद्रनाथ टागोर तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट रवींद्रनाथ टागोर मोस्टली ओएसएस रे क्वेश्चन पचारे तो मोस्टली मन रखु आप गोटे टास्क रहा रवींद्रनाथ टागोर पाई आम नोबेल प्राइज गीतांजलि बुक तो से कोई इयर पाई आपड़ा कमेंट करेंगे तो यह सहित मन रखु रवींद्रनाथ टागोर जो अलग बुक गुड़िक लिखी थे सेगुड़ी आम देखी नवा तो रवींद्रनाथ टागोर लिखी थे गीतांजलि सहित लिपिका चंद्रलिका गोरा घरे ब्रोकनटाइज मालिनी सैक्रिफाइस टू सिस्टर्स भयरे चतुरांग तो यहाँ आप टोटाल सबुदी मन रखु केवल आपंकर परीक्षा निहाती रवींद्रनाथ टागोर पचारूँ तो आप टोटाल बुक गुड़िक मोस्टली जो इंपोर्टेंट बुक गुड़िक रही है सेगुड़ी आम डिस्कसन कले तो आप जो टास्क देखते कमेंट में मेनसन करेंगे तो देखो आप बुक्स एंड अथर आम शेष करदे बुक्स एंड अथर जहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट थी सेगुड़ी डिस्कसन करदे बर्तमान आम डिस्कसन करवा फेमस क्रिकेटर रिटन बुक्स तो देखो रिसेंटली आप जानते ट्रेंड रही है क्रिकेटर मैंने जो बुक गुड़िक लिखिंट ऑटोबायोग्राफी सेगुड़ी मोस्टली परीक्षा पचारूँ तो से क्वेश्चन गुड़िक सिलेक्टिव आनीचु सेगुड़ डिस्कसन करवा तो देखो प्रथम आप बुक्स एवं साइट रही है आपर तो देखो बुक्स रही प्लेइंग इट माय वे तो आप देखी थे प्लेइंग इट माय वे बुक टी ऑलरेडी आपर ओएसएससी परीक्षा आसी तो प्लेइंग इट माय वे बुक रो लेखक होती सचिन रमेश तेंदुलकर तो आप मोस्टली गोटे क्वेश्चन आप जानते पचारे जे सचिन तेंदुलकर जो मिडिल नाँटा कौन तो आप मन रखु सचिन रमेश तेंदुलकर तो सी लिखी बुकटा बुक्र ना हो प्लेइंग इट माय वे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही द टेस्ट ऑफ माय लाइफ तो देखो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ बुक लेखक होती युवराज सिंह तो आपड़ा मन रखु द टेस्ट ऑफ माय लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर बुक लेखक होती युवराज सिंह। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही 281 एंड बियॉन्ड तो देखो 281 एंड बियॉन्ड बुक लेखक होती विवेस लक्ष्मण। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही सेंचुरी इज नॉट एनफ तो देखो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ बुक लेखक होती सौरभ गांगुली। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही बिलीफ तो देखो बिलीफ बुक लेखक होती सुरेश रायना तो आपड़ा मोस्टली मन रखु ऑटोबायोग्राफी से लिखुं तो सेगुड़ी मोस्टली मन रखिए तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही सनी डेज तो देखो सनी डेज बुक लेखक होती सुनील गावास्कर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही स्टार गेजिंग तो ऑलरेडी यहाँ आप ओएसएससी परीक्षा आसी तो आप जब देखी थे स्टार गेजिंग बुक टी ऑलरेडी पचार तो स्टार गेजिंग बुक लेखक होती रवि शास्त्री। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही इम्परफेक्ट तो देखो इम्परफेक्ट बुक लेखक होती संजय मंजरकर।
नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही स्पिनिंग राउंड द वर्ल्ड तो देखो स्पिनिंग राउंड द वर्ल्ड बुक लिखे जिम लेकर यह सहित आप गोटे टैक्स रखी जहाँकि आप क्रिकेट जो रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी लिखी थे तो देखो आप टैक्स रहा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सेन वन सेन वन तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सेन वन आपण मैंने जानते हैं भलाभ तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सेन वन ने जो लिखी बुक टी ऑटोबायोग्राफी तार नाटा कौन आप कमेंट रे मेंशन करेंगे विथ नेम मेंशन करेंगे जहाँफल जापर तो देखो यह सहित आप देखू अल्सो कमेंट बुक्स एंड अथर व्हिच यू थिंक विल बी आस्क्ड इन एग्जाम जब आपको किसी इंपोर्टेंट बुक्स एंड अथर विषय में जना अच्छी आप कमेंट रे मेंशन करेंगे जहाँफल जो पे प्रैक्टिस करें कमेंट सेक्शन पढ़ी पारे जहाँकि मोस्ट इंपोर्टेंट तो आप टैक्स रोचे जेहतु आप कलेक्टिव क्वेश्चन रही आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही तो देखो टोटल आप बुक्स एंड अथर आम कम्प्लीट कले तो बुक्स एंड अथर पर आप रही इंपोर्टेंट डेज एंड डेट्स तो देखो इंपोर्टेंट डेज एंड डेट्स आम टोटल जनवरी ठूँ धरिकी आप डिसेंबर पर्यंत जहाँ भी इंपोर्टेंट डेट्स गुड़िक रही और डेज गुड़िक रही से गुड़िक डिस्कसन करवा तो देखो प्रथम आप जनवरी मस रही तो जनवरी मस मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ नाइन्थ जनवरी मैंने आप एनआरआई डे तो आप जानते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन जो रही डे आपर प्रवासी भारतीय दिवस आपंटा मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्टली ओएसएससी परीक्षा आसे तो रिसेंटली आपंकर प्रवासी भारतीय दिवस होता न्यू दिल्ली रे एवं थीम थिला कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत तो देखो आम प्रवासी भारतीय दिवस कौन पे सेलिब्रेट करा जाए तो मन रख नोट डाउन करूँ 9 जनवरी 1915 मसीह महात्मा गांधी साउथ आफ्रिका आम भारत को फेरी तेनालीटा को आम एनआरआई डे हिसाब से घोषणा कर तो आपड़ा मोस्टली मन रखु 9th जनवरी हूँ आम एनआरआई डे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही जनवरी 15 मैंने जनवरी 15 तो जनवरी 15 आम सेलिब्रेट कराए आर्मी डे हिसाब से तो आपड़ा मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही जनवरी 24 तो देखो 24 जनवरी आम सेलिब्रेट कराए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑलरेडी आपंकर ओएसएस रे क्वेश्चन टी आस सारी बुझिपारे तो से आप मन रखु नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो पचार जनवरी 24। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही जनवरी 30 तो देखो जनवरी 30 आप ओएसएससी परीक्षा आस सारी मैट्रिक्स डे तो आप मोस्टली जानते। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही फेब्रुवारी मस तो देखो फेब्रुवारी मस मोस्ट दुईटा इंपोर्टेंट डे रही गोटे हूँ 2 फेब्रुवारी जैक वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आ गोटे हूँ 24 फेब्रुवारी जैक सेंट्रल एक्साइज डे अलग डेट गुड़िक रही जो आम सिलेक्टिव रखीचु दुईटा गोटे हूँ 2nd फेब्रुवारी जैक वर्ल्ड वेटलैंड्स डे आ गोटे हूँ 24 फेब्रुवारी सेंट्रल एक्साइज डे तो यहाँ आप मोस्टली परीक्षा आसला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही मार्च मस तो देखो मार्च मस मोस्ट इंपोर्टेंट डेज गुड़िक जो रही गोटे हूँ 8th मार्च तो 8th मार्च ऑलरेडी ओएसएससी पचारे क्वेश्चन टी इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कराए ऑब्जर्व कराए 8 मार्च तो आप ओएसएससी फेवरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही 21 मार्च तो देखो 21 मार्च में आम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे रही है तो आपड़ा मोस्टली मन रखु तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व कराए 21 मार्च में। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही 23 मार्च तो 23 मार्च में आम ऑब्जर्व कराए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही 24 मार्च तो 24 मार्च में आम समस्त मन रखु ऑब्जर्व कराए वर्ल्ड टीबी डे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही एप्रिल मासर मोस्ट इंपोर्टेंट डेज रही 5 एप्रिल तो 5 एप्रिल सेलिब्रेट कराए नेशनल मैरिटाइम डे तो ये आप मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही 7 एप्रिल मैंने 7 एप्रिल तो 7 एप्रिल ऑब्जर्व कराए वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही 18 एप्रिल तो 18 एप्रिल सेलिब्रेट कराए वर्ल्ड हेरिटेज डे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही 22 एप्रिल मैंने 22 एप्रिल तो देखो 22 एप्रिलटा आप मोस्ट इंपोर्टेंट 22 एप्रिल आप ओएसएस रे ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सारी तो 22 एप्रिल आप ऑब्जर्व कराए सेलिब्रेट कराए वर्ल्ड यार्थ डे तो वर्ल्ड यार्थ डे आप मोस्ट इंपोर्टेंट तो रिसेंटली जो वर्ल्ड यार्थ डे आम सेलिब्रेट करा तो वर्ल्ड यार्थ डे आपर थीमटा कौन थी 2022 कमेंट में मेनसन करेंगे तो आपटा टैक्स रहा तो आप 2022 वर्ल्ड यार्थ डे थीमटा कौन थी कमेंट में मेनसन करेंगे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही 24 एप्रिल तो देखो 24 एप्रिल आम सेलिब्रेट कराए ऑब्जर्व कराए नेशनल पंचायतीराज डे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही 25 एप्रिल तो देखो 25 एप्रिल मैंने 25 एप्रिल ऑब्जर्व कराए वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही मे मसर समस्त इंपोर्टेंट डेज गुड़िक तो देखो मे मसर प्रथम इंपोर्टेंट डे हूँ 1 मे तो 1 मे मैंने फास्ट मे आम ऑब्जर्व कराए इंटरनेशनल लेबर डे तो इंटरनेशनल लेबर डेटा कौन तो इंटरनेशनल लेबर डेटा हूँ
ମାନେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ତ ଲେବର ଡେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲେବର ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଡେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 1 ମେ'ରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସେ ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରେ ମେ ମାସର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ କେବେ 1 ମେ'ରେ ମାନେ 1 ମେ'ରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 8 ମେ' ତ 8 ମେ' ମାନେ 8 ମେ'ରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ ବା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେଡ଼କ୍ରସ ଡେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି 11 ମେ' ତ 11 ମେ'ରେ କ'ଣ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ତ 11 ମେ'ରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 11 ମେ'ରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 12 ମେ' ତ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମେ'ରେ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି 17 ମେ' ମାନେ 17 ମେ' ତ 17 ମେ'ରେ କ'ଣ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ତ 17 ମେ'ରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିକମ୍ ଡେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରି ସାରିଛି ତ ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ରିପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 17 ମେ'ରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଟେଲିକମ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 24 ମେ' ତ 24 ମେ'ରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ତ 24 ମେ'ରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଡେ ତ କମନୱେଲ୍ଥ ଡେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 24 ମେ' ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ଜୁନ୍ ମାସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ରହିଛି 5 ଜୁନ୍ ତ 5 ଜୁନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ତ 5 ଜୁନ୍ରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ବା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଡେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 5 ଜୁନ୍ରେ 5 ଜୁନ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 21 ଜୁନ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଜୁନ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ତ 21 ଜୁନ୍ରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସେ ତ 21 ଜୁନ୍ରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ଜୁନ୍ 27 ତ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଜୁନ୍ଟା ଆମର ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ଜୁନ୍ ମାସ ସରିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ରହିଲା ତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ରେ ରହିଛି 1 ଜୁଲାଇ ମାନେ 1 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 26 ଜୁଲାଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ଜୁଲାଇରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ କାର୍ଗିଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ରୁ ଯେହେତୁ କାର୍ଗିଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 26 ଜୁଲାଇରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 26 ଜୁଲାଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଗିଲ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ତ କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଆମର 26 ଜୁଲାଇ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ ତ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ରହିଛି କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଡେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 29 ଅଗଷ୍ଟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ରହିଛି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ମାନେ ଟିଚର୍ସ ଡେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟେରେସି ଡେ ତ ଆପଣ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟେରେସି ଡେ ହେଉଛି ଆମର 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ହିନ୍ଦୀ ଡେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ ଓଜନ ଡେ ତ ୱାର୍ଲଡ ଓଜନ ଡେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣ ରହିଛି 1 ଅକ୍ଟୋବର ତ 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମର ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର୍ ଏଲ୍ଡରଲି ପର୍ସନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଓଏସ୍ଏସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ର ଫେଭରାଇଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିସାରିଛି CBSE କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର୍ ଏଲ୍ଡରଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହେଉଛି 1 ଅକ୍ଟୋବର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି 2 ଅକ୍ଟୋବର ତ 2 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମର
सेलिब्रेट करा जाए 2 अक्टूबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट अपन रहिची वर्ल्ड नेचर डे, तो वर्ल्ड नेचर डे हमरो ऑब्जर्व करा जाए 3 अक्टूबर रे, 3 अक्टूबर रे हमरो रहिची वर्ल्ड नेचर डे। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट अपन रहिची 8 अक्टूबर, तो देखंतु 8 अक्टूबर रे हमरो ऑब्जर्व एवं सेलिब्रेट करा जाए इंडियन एयर फोर्स डे, ताकि की अपन माने भलो आरे जानिथिबे 1932 मसिया रे हमरो स्टार्ट होई के छि हमरो इंडियन एयर फोर्स, जेकि प्रथमे थिला रॉयल इंडियन एयर फोर्स। तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स थिला फास्ट 8 अक्टूबर 1932 मसीहारु। तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु आमर इंडियन एयर फोर्स रो मोटो समस्ते मन रखंतु, जहाँकि आपण परीक्षा रे मध्ये मोस्टली पचारे। तो तार हिंदी रे मोटोटा होची नभ स्पर्श दीपम, एवं इंग्लीश रे मोटोटा होची टच द स्काय विथ ग्लोरी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची इंपोर्टेंट डेज टी 11 अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर रे आमर कोन ऑब्जर्व करा जाय, तो 11 अक्टूबर रे आमर ऑब्जर्व करा जाय इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो देखंतु एटा आपणकर परीक्षा रे मोस्टली आसे, तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे आमर ऑब्जर्व करा जाय एवं सेलिब्रेट करा जाय 11 अक्टूबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 17 अक्टूबर, तो देखंतु 17 अक्टूबर रे आमर जो मोस्ट इंपोर्टेंट डे रहउची सेटा होची इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा रे मध्ये आसे युनाइटेड नेशन डेटा होची आमर 24 अक्टूबर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची नवेम्बर मासर मोस्ट इंपोर्टेंट डेज गुड़िक, तो देखंतु नवेम्बर मासर मोस्ट इंपोर्टेंट डेज रहिची प्रथमे 7 नवेम्बर, तो देखंतु 7 नवेम्बर रे आमर रहिची वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 9 नवेम्बर, माने 9 नवेम्बर रे आमर रहिची लीगल सर्विसेस डे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 17 नवेम्बर, देखंतु 17 नवेम्बर आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखंतु भला भाबरे गुरु नानक देवस बर्थ एनिवर्सरी आमर ऑब्जर्व सेलिब्रेट करा जाय 17 नवेम्बर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 30 नवेम्बर, तो देखंतु 30 नवेम्बर रे आमर रहिची फ्लैग डे, तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु 30 नवेम्बर रे रहिची फ्लैग डे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 26 नवेम्बर, देखंतु 26 नवेम्बर रे आमर ऑब्जर्व करा जाय लॉ डे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची डिसेंबर मासर मोस्ट इंपोर्टेंट डेज गुड़िक, तो देखंतु डिसेंबर मासर मोस्ट इंपोर्टेंट डेज रे प्रथमे रहिची 1 डिसेंबर, माने 1 डिसेंबर, तो 1 डिसेंबर रे आमर रहिची वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करा जाय। तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु आपण परीक्षा मध्ये क्वेश्चन दे आस्तला, तो वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करा जाय 1 डिसेंबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 2 डिसेंबर, तो देखंतु 2 डिसेंबर रे आमर रहिची नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 3 डिसेंबर, तो देखंतु 3 डिसेंबर टा आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट, जेकि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो होइतिला सेही डेट आपण मन रखंतु 3 डिसेंबर होइतिला, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी डे होची 3 डिसेंबर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपणकर मन रखंतु नाभी डे, तो नाभी डे आमर ऑब्जर्व करा जाय 4 डिसेंबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 7 डिसेंबर, तो देखंतु 7 डिसेंबर आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, तो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आमर ऑब्जर्व करा जाए 7 डिसेंबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 10 डिसेंबर, तो देखंतु 10 डिसेंबर रे आमर ऑब्जर्व करा जाए ह्यूमन राइट्स डे, तो ह्यूमन राइट्स डे मन रखंतु ह्यूमन राइट्स डे आमर ऑब्जर्व करा जाए 10 डिसेंबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची यूनिसेफ डे, तो यूनिसेफ डे टा आपणकर मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा आसला बोली, तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु यूनिसेफ डे आमर ऑब्जर्व करा जाए 11 डिसेंबर रे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 14 डिसेंबर, तो देखंतु 14 डिसेंबर रे आमर ऑब्जर्व करा जाए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे आमर ऑब्जर्व करा जाए 14 डिसेंबर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची इंटरनेशनल टी डे, तो इंटरनेशनल चाहा दिवस जोटा कुहा जाए सेटा हमर ऑब्जर्व करा जाए 15 डिसेंबर रे, तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची मोस्ट इंपोर्टेंट एवं वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण परीक्षा पई, तो गोवा लिबरेशन डे हमर रहिची, जे कि आपण माने भला जानिथिबे पुर्तगाल को ठारु हमर इंडिया जो गोवा लिबरेशन करथिला 19 डिसेंबर करथिला, तो आपण एटा मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा आसला बळी, तो आपण एटा मोस्टली मन रखंतु। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची 22 डिसेंबर, तो देखंतु 22 डिसेंबर टा आपणकर ऑब्जर्व करा जाए मैथमेटिक्स डे, तो आपण जानिथिबे रामानुजन को अनुसार सेटा हमर मैथमेटिक्स डे कि सबटारो माने मैथमेटिक्स रे जे विद्वान थिले सबटारो अधिक आपण माने जानिथिबे श्रीमान रामानुजन, तो तांकर डेटा को कहा जाए मैथमेटिक्स डे, जे कि 22 डिसेंबर आपण एटा मोस्टली मन रखंतु। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिची किछि क्वेश्चन आपण को पई रहिची आपण कमेंट रे मेंशन करिवे, तो देखंतु क्वेश्चन आपण रहिला
चबीश एप्रिल कौन सेलिब्रेट कराए ऑब्जर्व कराए आपण डेट टी आपण चबीश एप्रिल कौन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कमेंट में मेनसन करेंगे या सहित 8 मे रे सेलिब्रेट ऑब्जर्व कौन कराए आप मेनसन करेंगे कमेंट में मैंने इम्पोर्टेंट डेज गुड़िक कहे से गुड़िक आपड़ मेनसन करेंगे कमेंट में या सहित जनवरी फास्ट मानने जनवरी 1 कौन सेलिब्रेट कराए कमेंट में मेनसन करेंगे जनवरी 25 कौन सेलिब्रेट कराए जनवरी 30 कौन ऑब्जर्व कराए 5 अक्टोबर में कौन सेलिब्रेट कराए 25 डिसेंबर में कौन ऑब्जर्व कराए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के ऑब्जर्व कराए आप कमेंट में मेनसन करेंगे या सहित 26 जुलाई में कौन ऑब्जर्व कराए जैक कौटा स्पेशल डे से आप कमेंट में मेनसन करेंगे 9 अगस्ट में कौन ऑब्जर्व कराए देखो आप 10टा क्वेश्चन रही इंपोर्टेंट डेज्र तो आपड़ा कमेंट में मेनसन करेंगे जहाँकि आप जहाँ क्वेश्चन पचार जाइए से आप कमेंट में मेनसन करेंगे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही इंपोर्टेंट ईयर आज पर द यूनाइटेड नेशन देखो यूनाइटेड नेशन आपर इंटरनेशनल गोटे क्वेश्चन गुड़िक मोस्टली ओएसएस फेवरेट होती जहाँकि आप मोस्टली परीक्षा आप देखा पाइबे पांचटा क्वेश्चन आप क्वेश्चन गुड़िक मोस्टली ओएसएस पचार देखो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम तो देखो यूनाइटेड नेशन रहा रही मोस्टली पचारे परीक्षा तो देखो प्रथम रही आप 2015 तो 2015 ईयर को कौन कह जाए तो 2015 ईयर को कह जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट नॉल इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल तो आपड़ा मोस्टली मन रखु इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट एवं इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल जब पचारा 2015 मसीहाटा बुझिपारे या सहित 2016 कौन तो 2016 मसीहाटा हूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस तो देखो ईयर ऑफ पल्सेस आप ओएसएस क्वेश्चन देखा पाइबे एक्सरसाइज आप पचार इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस जो ईयर को डिक्लेयर कराइला जो वर्ष को डिक्लेयर कराइला से 2016 मसीहा सहित मन रखु 2017 को डिक्लेयर कराइला इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट या सहित 2019 को डिक्लेयर कराइला इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजिनियस लैंग्वेजेस तो आपको यहाँ मोस्टली ओएसएस पचार सारी तो आप क्वेश्चन गुड़िक भल भाव मन रखु 2023 तो देखो 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट 2023 आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो आपको यहाँ क्वेश्चन निहाती पचार ओएसएस फेवरेट क्वेश्चन तो आप पांचटा छःटा क्वेश्चन जहाँ भी रही जो ईयर गुड़िक इंटरनेशनल ईयर जैकि यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज से गुड़िक आप मोस्टली मन रखु आउ थे डिस्कशन कराइद तो देखो 2015 हूँ आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2016 हूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस 2017 हूँ इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट 2019 हूँ आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेजेस 2023 हूँ आप मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही थर्ड पार्टी तो आपर टोटल तीन टा पार्ट मुझे डिस्कसन करी जहाँकि जेनेल नलेज रे आप तीन टा पार्ट डिस्कसन करार तो आप बुक्स एंड अथर डिस्कसन कले डेज एंड डेट्स जैक इंपोर्टेंट डेज एंड डेट्स डिस्कसन कले आप लास्ट पार्ट है इनभेनसन एंड डिस्कवरीज तो इनभेनसन एंड डिस्कवरीज आप क्वेश्चन आसो जेनेल नलेज जैक ओएसएससी जेल तो से गुड़क आम डिस्कसन करवा तो देखो प्रथम रही आपर इनभेनसन एंड डिस्कवरीज आनिमोमीटर तो आनिमोमीटर को जेकि डिस्कवर करते लियोन बाटिस्टा आलबर्ती तो आपड़ा मोस्टली मन रखु नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आप रही फाउंटेन पेन तो देखो फाउंटेन पेन रेकि मैंने उद्भावक मैंने फाउंटेन पेन को जे तैयारी से होती पेट्राचे पोइनारु पेट्राचे पोइनारु आम तैयारी फाउंटेन पेन नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही पेनिसिलिन तो देखो पेनिसिलिन को जे मैंने डिस्कवर करते होती अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो आप मोस्टली मन रखु अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन दबो आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को टिक करके आसपे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही रेडियम तो रेडियम को डिस्कवर करते मैरी एंड पेरी कुरी नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही टेलीफोन तो देखो टेलीफोन को जे आम उद्भावन करते होती ग्राहम बेल नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही थर्मोमीटर तो देखो थर्मोमीटर को जे प्रथम आप जानते वाटर थर्मोमीटर को जे तैयारी करते होती गैलीलियो गैलीली जेकि 1595 मसीह करते तो आप मोस्टली मन रखु नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही स्टीम बोट तो देखो स्टीम बोट को जी उद्भावन करते होती रॉबर्ट फुल्टन तो मन रखु रॉबर्ट फुल्टन इनवेंटेड द स्टीम बोट नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही रेडियो तो रेडियो को उद्भावन किए करते तो रेडियो को उद्भावन करते गुगलेमो मैक्रोनी तो आप मोस्टली मन रखु मैक्रोनी तो रेडियो को किए तैयारी करते मैक्रोनी
नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आपण रहिछि पीरियोडिक टेबल। तो देखो पीरियोडिक टेबल को जी आम करते सी होती दिमित्री मेंडेलेव। तो मेंडेलेव आप मन रखु आम पीरियोडिक टेबल मेंडेलेव। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन को जी आम मैंने करते पोलियो वैक्सीन को जी फास्ट मैंने इनवेसन करते या पोलियो वैक्सीन को सी होती जोनास एडवर्ड सल्क। तो मैंने मन रखु जोनास सल्क आप मोस्टली मन रखु परीक्षा आप जोनास सल्क ही दिए। तो पोलियो वैक्सीन को जी तैयारी करते सी होती जोनास सल्क। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही प्रिंटिंग प्रेस। तो देखो प्रिंटिंग प्रेस को जे मैंने स्टार्ट मैंने प्रथम इनभेनसन करते होती जोहानस गुटेनबर्ग। तो जोहानस गुटेनबर्ग आम इनभेनसन करते प्रिंटिंग प्रेस। तो मन रखु प्रिंटिंग प्रेस को इनभेनसन करते जोहानस गुटेनबर्ग। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही लाइट बल्ब। तो देखो लाइट बल्ब को जी आम इनभेनसन करते होती थोमास एडिसन। तो थोमास एडिसन तैयारी करते लाइट बल्ब को। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही माइक्रोस्कोप। तो देखो माइक्रोस्कोप को जी इनभेनसन करते होती जाकारिस जानसेन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही लेजर। तो लेजर को जी प्रथम इनभेनसन करते होती थेओडोरे माइमन। तो थेओडोरे माइमन डिस्कवर करते लेजर को। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट को जी इनभेनसन करते होती विलियम स्टुर्जियन। तो स्टुर्जियन तो विलियम स्टुर्जियन इनभेन्टेड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही डायनामाइट। तो मोस्टली आप क्वेश्चन पचारे तो डायनामाइट को जी मैंने प्रथम तैयारी करते सी होती अल्फ्रेड विम नोबेल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को जी प्रथम मैंने कही होती विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे प्रथम डिस्कवर करते सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही डीजल इंजन। तो डीजल इंजन को प्रथम जी इनभेनसन करते सी होती रडलफ डीजेल। तो आपड़ा मोस्टली मन रखिपारे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही ब्लड ग्रुप। तो देखो ब्लड ग्रुप को जी प्रथम डिस्कवर करते फाउंड करते ब्लड ग्रुप रही सी होती कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही बाइफोकल लेंस। तो देखो बाइफोकल लेंस को इनभेनसन करते से होती बेंजामिन फ्रांकलिन। तो मन रखु बेंजामिन फ्रांकलिन प्रथम इनभेनसन करते बायफोकल लेंस। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही आडेसिफ टेप। तो देखो आडेसिफ टेप को जी इनभेनसन करते से होती रिचर्ड जी ड्रू। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही बॉल पॉइंट पेन। तो देखो बॉल पॉइंट पेन रे मैंने उद्भावन मैंने प्रथम तैयारी करते होती जोन लाउड। तो जोन लाउड मन रखु भल भाव में बॉल पॉइंट पेन को तैयारी करते। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही इलेक्ट्रिक बैटरी। तो देखो इलेक्ट्रिक बैटरी को जी प्रथम तैयारी करते होती वोल्टा। तो आपड़ा मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही हीलियम को जी डिस्कवर करते होती जुलीस जानसेन। तो जुलीस जुलीस जानसेन आम डिस्कवर करते हीलियम को। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव को प्रथम जे इनभेनसन करते होती जॉर्ज स्टेफेनसन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही नियोन लैंप। तो देखो नियोन लैंप को जी प्रथम डिस्कवर करते इनभेनसन करते होती जॉर्जेस क्लाउडी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन को जी प्रथम मैंने टोटल कही ऑक्सीजन विषय में सी होती जोसेफ प्रिस्टली। तो आपड़ा मोस्टली मन रखु। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही पाराचूट। तो देखो पाराचूट जो विषय जी कही होती देखो पाराचूट को प्रथम फाउंड करते डिस्कवर जी करते इनभेनसन करते होती लुईस स्टेबेस्टेन लेनोरमांड। तो आपड़ा मोस्टली मन रखु डिफिकल्ट ना रही। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही पेस मेकर। तो देखो पेस मेकर को जी प्रथम बनते से रून एल्मीक्विस्ट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही रेफ्रिजरेटर। तो देखो रेफ्रिजरेटर को प्रथम जे मैंने इनभेनसन करते होती विलियम कुलेन। तो विलियम कुलेन बनते रेफ्रिजरेटर को। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही रॉकेट इंजन। तो देखो प्रथम रॉकेट इंजन को जे मैंने इनभेनसन करते होती रॉबर्ट एच गोडार्ड। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही रबर। तो देखो रबर जैकि वल्कनाइज फॉर्म था। तो रबर को प्रथम जे डिस्कवर करते होती चार्ल्स गुडइयर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही टर्बाइन। तो शिप रो टर्बाइन को जे डिस्कवर करते इनभेनसन करते होती चार्ल्स पार्सन्स। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही सबमरीन। तो देखो सबमरीन को जे प्रथम तैयारी करते इनभेनसन करते होती कॉर्नेलिस प्रिबेल। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही सिंथेसाइजर। तो सिंथेसाइजर को जे आम डिस्कवर करते इनभेनसन करते होती डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूक। तो आप रॉबर्ट मूक मन रखु। तो आपंकर सिंथेसाइजर को जे इनभेनसन करते होती रॉबर्ट आर्थर मूक। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही वैक्यूम क्लीनर। तो देखो वैक्यूम क्लीनर को जे इनभेनसन करते होती हुबर्ट सेसिल बूथ।
तो हुबर्ट सेसिल बूथ आमर इन्वेंशन करते वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आप रही एक्सरे, तो एक्सरे को जे इन्वेंशन करते से होती विलहेम कोनराड रोंजेंटन। तो रोंजेंटन आप मन रखु एक्सरे को सी इन्वेंशन करते सहित मन रखु जेरक्स मेसीन, तो जेरक्स मेसीन को जे इन्वेंशन करते से होती चेस्टर कार्लसन। तो आपंकर देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ भी मानने इन्वेंशन आउ डिस्कवरीज थी टोटल डिस्कशन कर दीचे मैंने आप जेनराल नलेज जो तीन टा पार्ट आनी बुक्स एंड अथर इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स आपर लास्टे आपला इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज टोटल आपनटा पार्टर जहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था टोटल डिस्कशन करदेगी। मुशा कर वीडियो भल लगी वीडियो आप देखो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में मिलजो मुझको अलरेडी कही तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाए जो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ी पारे। या सहित इम्पोर्टेंट जो आप रही इन्वेंशन डिस्कवरीज विषय तार पीडीएफ मध्य आपको अपलोड कर दूसरी आहरी किसी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन मिलजो जब आप पढ़ा चाहिए पढ़ी पारे। तो जब आप वीडियो भल लगी लाइक करदे कमेंट करेंगे सांग अधिक सेयार करेंगे आ सब्सक्राइब करने को भूलिबे सांग निहाती वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। तो वर्तमान पे वीडियो देखी थी धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।